दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5.3। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5.3। अ क्लोजली वाउंड सोलेनाइड ऑफ 800 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। What is its associated magnetic moment? तो हमको क्या करना है, जो associated magnetic moment है उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो n है 800। ठीक, उसके बाद हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है कितना है, 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद करंट दिया है I, इतना है 3 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहां पर हमको निकालना क्या है, एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू N इंटू I इंटू A, ये फॉर्मूला होता है। अब हमको यहां पर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो 800 × 3 × 2.5 × 10⁻⁴, तो ये कितना आएगा बच्चों, तो वो आएगा 0.6 जूल पर टेस्ला आ जाएगा। तो यहां पर दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनाइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये जो सोलेनाइड है ये बार मैग्नेट कब काम करेगा, लाइक अ बार मैग्नेट को पूछा है। तो जो करंट कैरिंग सोलेनाइड होता है ये बार मैग्नेट की तरह कब काम करेगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसके एक्सिस के अलोंग, यानी उसकी जो लेंथ होती है उसके अलोंग जब उसके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है तब वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।